मुझसे चला जा रहा था ना, इनसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, तो हमें कुछ खंडहर सा नजर आया, तो अंदर जाके देखा वो एक मंदिर था, वो खंडहर इतना इतना डरावना था, बिल्कुल हम दोनों इतना डर गए थे कि हमने एक दूसरे को हक कर लिया। जब हम वहां पहुंचे तो आगे आगे खाई थी। हम कहीं नहीं भाग सकते थे और फिर कॉर्पोरेटर ने इन पर गोली चला दी। वो गिरने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, तो हम दोनों साथ में खाई में गिर गए। मैंने देखा कि बेहोश पड़े। मैं सच बता रही हूँ, मेरी आधी जान निकल गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने हर कोशिश कर ली, मैंने इनके हार्ट बीट चेक की, सांसें चेक की, कुछ नहीं चल रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक डॉक्टर को एक बार CPR देते हुए देखा था। मुझे नहीं पता था कि मैं सही कर रही थी या गलत, पर मुझसे जो भी बन पाया मैंने किया। मैं उनके हार्ट बीट रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद तूने किया प्रपोज किया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। समझ नहीं आ रहा, पागल कर रखा इसने तो। ये क्यों फोन कर रही है मुझे? बोलो। देखो तुम मेरी बात क्या सुनो तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे भाई ने पुलिस वालों को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है और अब पुलिस वाले मुझे मेरे घर पे, ऑफिस में और मेरे अड्डों पे ढूंढ रहे हैं। कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारे भाई ने मुझे, कहीं का नहीं। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ? भाई तुम्हारे लिए कोई अवार्ड फंक्शन रखेंगे? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि भाई की तरफ हाथ मत उठाना और तुमने तो उनके ऊपर गोली चला दी। बहुत आवाज निकल रही है ना तुम्हारी, भाई घर पे आ गया इसीलिए ना। लेकिन एक बात याद रखो मिस सालिया, अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा ना तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम भी शामिल थी किडनैपिंग में, समझी? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन, अगर चाहूँ ना तो तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी कि मेरा नाम तो लेना दूर की बात है। और आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, समझे तुम? इसके बाद अगर तुमने कुछ भी ऐसा करा या फिर दोबारा फोन किया तो मुझसे बुरा। अरे किससे बात कर रही भाई? नथिंग इम्पोर्टेंट। आले लुक फॉर इट। Is everything all right? Hello? ये तो अभी की आवाज है। तो अभी की आवाज है। किससे बात कर रही थी? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और मेरी आवाज सुनते इसने फोन क्यों काट दिया? हुआ सर। Is everything all right, honey? भाई मैं कह रही हूँ ना, it's not that important. तू मुझे चुप कराएगी? बड़ी मैं हूँ या तू? उम्र में तो तू मुझसे बड़ी है लेकिन प्यार के मामले में ना मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैंने पूरब को प्रपोज किया, उसके बाद उसने मुझे जवाब भी दी थी, और तूने जीजू को प्रपोज किया और अब तक जवाब नहीं मिला। क्या है दिए? प्यार के स्टेज में ना मैं एकदम ऊपर हूँ तुझसे, समझी? इसलिए मैं जो कहूंगी ना तुझे वो करना पड़ेगा। और जा, अभी जाकर जीजू से अपना जवाब पूछ ले। सजेशन दे रही है, धमकी दे रही है? देख, पहले सजेशन ही दे रही थी लेकिन उसे धमकी समझ ले। और अगर मैं नहीं पूछू तो? और अगर नहीं पूछा तो ना मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं खुद जाकर जीजू से तेरे प्रपोजल का रिजल्ट पूछ लूंगी। As simple as that. नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। ठीक है चल, तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लेकिन अगर तू नहीं गई ना तो फिर तुम मुझे भी नहीं रोक सकती, समझी? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? तू मेरी बहन है ना? तू मेरी बहन है इसीलिए तो दी। बहन है तो मुसीबत में डालेगी क्या? तू पूछ रही कि नहीं पूछ रही पता? नहीं नहीं नहीं, रुक, मैं चली जाऊंगी। गुड कॉल। अच्छा सुन, मैं एक फोन कॉल करके आती, तब तक तू ये सोच ले कि तू जीजू को कैसे पूछेगी। ठीक है,
समझी ना? क्या? हाँ हाँ मैं समझ गई। भगवान आपको इतनी इतनी छोटी बहन मुझे ही देनी थी, मुसीबत से निकालने के बजाय मुसीबत में डालती रहती। दिख कर तू या सामने जाकर मुझे, सामने जाती तो मेरा पसीने छूटने लगता, अब क्या करूं? ये प्रज्ञा अपने आप में क्या बोले जा रही, और कुछ परेशान भी लग रही है। प्रज्ञा इधर आ। कुछ नहीं माँ, वो बेटा किसके आगे पसीने सूख जाते हैं, और क्या लिख के देना है? ये लो, अब तक तो इतना बोल रही थी और अब खामोश हो गई। वो क्या है ना, वो घर पे मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, वो ठंडी हवा की जगह गर्म हवा दे रहा है, तो वो लिखकर सर्विस सर्विसिंग के लिए देना है, सर्विस वाले को बुला। आपको यकीन नहीं हो रहा तो सच्ची एसी खराब है, आप रॉबिन से पूछ लीजिए, रॉबिन को पता है कि एसी खराब ही है। तू तो ऐसे बोल रही जैसे तुझे किसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तनु तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्योंकि सबके सामने तुम सिर्फ दिखावा करोगे कि तुम कितने अच्छे पति हो, कितने अच्छे पोते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ ताकि मैं सिर्फ अभी से बात कर सकूँ। मुझे बताओ अभी ये सब कुछ क्या चल रहा है? जब से तुम और प्रज्ञा वापस आए हो तुम मुझे अवॉइड किए जा रहे हो, न मुझसे बात कर रहे हो, न मुझे अपने करीब आने दे रहे हो। तनु तुम जानती हो ना, परिवार के सामने हम एक दूसरे से दूरी रहते हैं। लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी और से अपनी सारी दूरियां खत्म करके आए हो, राइट? अभी मैं तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह जानती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं कैसे पता? ऐसी बातें छुपती नहीं अभी। मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की कि ये बात तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई? तनु मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसी ने किया। स्टॉप इट अभी। मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ क्या, बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात पे यकीन कर लूंगी मैं? अभी ये काम वन साइडेड नहीं होता। क्यों किया तुमने ऐसा? I'm feeling cheated. अभी मुझे लगता था तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें समझ सकती है, जो तुम्हारे दिल तक पहुँच गई। अब लगता नहीं, तुमने वो जगह किसी और को दे दी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी तुम्हें मेरी बातें बेकार लग रही है, कुछ दिनों बाद मैं भी तुम्हें बेकार लगने लगूंगी। अभी तुम वो दिन भूल गए जब तुम रोज शाम को इंतजार किया करते थे कि हम मिलेंगे। बोलो भी, जब तुम बोलते थे कि आई मेक यू फील कंप्लीट, वो सब क्या था? वो सिर्फ बातें थी, मेरे साथ रहने के लिए, क्या मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, या मुझे यूज करने के लिए? तनु, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स राइट। यस, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। अभी तुमने मुझे कमिटमेंट करके मुझे आई लव यू बोल के तुमने उस प्रज्ञा को किस कर दिया। तुम्हें बता भी नहीं सकती इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। अभी मुझे लगा कि तुम उससे नफरत करते हो, तुम दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सबने मुझे कहा कि इस किडनैपिंग में प्रज्ञा तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। लेकिन तुमने वो भरोसा भी तोड़ दिया। लेकिन उसने तो सिर्फ मुझे प्रपोज किया था, किसकी बात कहां से आ गई? प्रपोज? उसने तुम्हें प्रपोज किया? ओह माय गॉड, मतलब हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया अभी। मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं और वो तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं क्या कहूंगी अपने पेरेंट्स को? वो लोग हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं अभी। ओह माय गॉड, वो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, वैसा कुछ नहीं है। और ये बातें तुमसे किसने कही है? योर लविंग वाइफ। वो पार्टी में सबको चीख चीख के बता रही है अपनी पहली किस के बारे में। प्रज्ञा, आर यू श्योर? यस, आई एम 100% श्योर। मैंने खुद अपने कानों से सुना है और मुझे तो लगता है उसे किस करने से ज्यादा मजा ये ढिंडोरा पीटने में मजा आ रहा है। उसे इस बात की खुशी नहीं है कि उसने अपने पति को किस किया, उसे इस बात की खुशी है कि उसने अभी द रॉक स्टार को किस किया है। और इसी वजह से वो तुम्हारे बराबर खड़ी होना चाहती है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।